बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, शोले की बसंती, इंडियन सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी की एक कहानी है। इनका जन्म हुआ 16 अक्टूबर सन 1948 को तमिलनाडु के अमानकुड़ी में। इनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई चेन्नई की आंध्रा महिला सभा से। हेमा मालिनी जी ने बचपन से डांस सीखा और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। इनके माता जी की इच्छा थी कि इनकी बेटी एक जबरदस्त डांसर और एक अभिनेत्री बनी। 1965 की तमिल फिल्म पंदावा वनावासम में बतौर डांसर ये नजर आई थी। इसके बाद 1968 की राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी हेमा जी। इस फिल्म के बाद तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में ये नजर आई। जॉनी मेरा नाम, अंदाज, लाल पत्थर, सीता और गीता, राजा जानी, घोरा और काला, जुगनू, 70 के दशक में देव साहब से लेकर राज कपूर, राजकुमार, शम्मी कपूर, फिरोज खान, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, बड़े से बड़े एक्टर के साथ फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री खूब जमी और इन सभी अभिनेताओं के साथ ये जबरदस्त फिल्मों में नजर आई और बड़ा ही सुपर स्टारडम इन्होंने हासिल किया। 70 के दशक से लेकर 80 के दशक तक हेमा मालिनी ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग, अपनी डांसिंग स्किल, अपने डायरेक्ट डिलीवरी से फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्टारडम बनाए रखा और बाद में 1980 में बॉलीवुड की हीमेन यानी धर्मेंद्र के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हेमा मालिनी जी ने ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। साल 1992 में दिल आशना से इन्होंने शाहरुख खान को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया था। आगे जाके हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। हेमा मालिनी जी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। वाकई सही मायनों में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड में से एक है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी।